मंगलम भगवान भीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वीतरागी देव शास्त्र निमित्त उपादान की कक्षा अपनी चल रही है और उस कक्षा में कुछ बातें और जानने जैसी हैं। खास तौर से जिनागम पढ़ने की शैली कला है निमित्त उपादान। निमित्त उपादान को जाने बिना जिनवाणी की एक भी पंक्ति का अर्थ नहीं समझ सकते, एक बात अपनी हो चुकी है। अभी कोई बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिनकी चर्चा आज हम ले रहे हैं। खास तौर से तब नहीं ली थी और अभी लेना है। तब हमने कहा था कि निमित्त उपादान के निमित्त के भेद हैं। निमित्त के भेद है ना, निमित्त के भेद कितने हैं? दो। कौन कौन से? सक्रिय और निष्क्रिय। इसकी चर्चा उस समय की थी, लेकिन कुछ और भी निमित्तों के भेद हैं जिनकी चर्चा आज हम करेंगे। और इसके बाद समय रहेगा तो तस समय की योग्यता में कुछ चर्चाएं एक आध घंटे की शेष है अभी, वो भी अपन अभी तो नहीं हो पाएगी, फिर कभी देखेंगे, है ना। तो अभी ये देखो, समय व्यर्थ नहीं करते हैं अपन। निमित्त और उपादान में से कार्य होने के लिए निमित्त तो जरूर होना चाहिए, होना चाहिए ना। इस चार्ट में, हालांकि सबके हाथों में ना होगा, भले ही बाद में देख लेना आप लोग, एक कार्य है एक कारण है। और इधर से देखने वाला व्यक्ति जब देखता है, निमित्त की ओर से देखता है, निमित्त बाजू है ना, निमित्त बाजू, तो निमित्त की ओर से देखने पर अनेक लाइनें बनी हुई हैं। इसका मतलब एक कार्य को निमित्त की नजर से देखें तो अनेक निमित्त खड़े होते हैं, अनेक नैमित्तिक भाव दिखाई देंगे आपको, अनेक। क्या गजब बात है, एक कार्य को जब इधर से देखने जाते हैं तो निमित्त, एक कार्य में अनेक निमित्त चाहिए। मोक्ष में प्रकाशक जी माने ना, एक कार्य में अनेक निमित्त चाहिए। जैसे अभी समझो, देखो एक प्रवचन होने के लिए कितने निमित्त चाहिए? ये बिछात चाहिए, सामग्री चाहिए, हाल चाहिए, पैसा चाहिए, भोजन पानी की सुविधा चाहिए, नहीं चाहिए, विधान चाहिए, कितना काम चाहिए। अब निमित्त इतना और काम एक, काम एक आत्मार्थिनो बीजू नहीं मन रो काम एक करना है और निमित्त कितने? अभी लड़की की शादी करना है, काम एक और निमित्त कितने? अनेक। रिश्तेदार चाहिए, पैसा चाहिए, बाजा चाहिए, मंडप चाहिए, और भी बहुत, आप तो समझ गए होंगे ना, आपको लिस्ट तो बहुत लंबी है उसकी। तो एक कार्य को निमित्त, नैमित्त की ओर से देखते हैं, नैमित्तिक देखते हैं एक कार्य को, तो अनेकों निमित्त होती है। अभी सारे निमित्तों का वर्णन नहीं कर सकते। एक भी कार्य का, फिर से सुना, एक भी कार्य का अनेक निमित्तों का वर्णन संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। उपादान की ओर से देखेंगे तो देखो इसमें कोई भी लाइन नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब उपादान की ओर से उपादेय देखा जाए तो एक ही होगा, उपादान का उपादेय एक। निमित्तों की ओर से देखे जाए तो कार्य का निमित्त अनेक। तो निमित्त की ओर से देखेंगे तो निर्विकल्प नहीं हो सकते, बहुत विकल्प खड़े होंगे, कौन कौन सा निमित्त मिला दें। तो अभी प्रश्न हो गया कि हमें आत्मकल्याण करना हो तो कितने निमित्त होते हैं, प्रश्न नंबर एक, और फिर कौन कौन से मिलाने चाहिए, नंबर दो। बुद्धिपूर्वक की बात है, एक कार्य होने में कितने प्रकार के निमित्त होते हैं, तो एक कार्य में कितने निमित्त होते हैं? अनेक। और मिलाने कितने हैं? अभी बड़ी प्रश्न समस्या। तो इसीलिए जिनवाणी में दो तरह के निमित्त कहे गए, एक गौण निमित्त एक मुख्य निमित्त। क्या कहा? एक गौण निमित्त एक मुख्य निमित्त। निमित्त तो बहुत सारे हैं, निमित्त की चर्चा तो बहुत सारी है, लेकिन उसमें से कुछ तो ऑटोमेटिक मिलते हैं और कुछ बुद्धिपूर्वक मिलाए जाते हैं। क्या कह रहे हैं? बुद्धिपूर्वक। तो कुछ को गौण कर देते हैं, गौण गौण और मुख्य, तो कुछ को तो गौण कर देते हैं,
सम्यक दर्शन करना हो तो क्या करो, क्या करो, सम्यक दर्शन करना हो तो क्या करो कि बुद्धिपूर्वक देह सहस गुरु की संगति में आओ। ये तो पुरानी चर्चा होगी, सबको ख्याल होती होगी कि इस देह सहस गुरु के पास आओ, ये बुद्धिपूर्वक का मुख्य निमित्त हो गया मुख्य। अभी गौण निमित्त कौन कौन से हो गए कि गौण निमित्त तो बहुत सारे हैं, क्षेत्र है, द्रव्य है, काल है, भाव है। अभी और देखो तो गौण निमित्त में दर्शन मोहिनी का उपशम आदि, अब ये गौण कर देते हैं, इसको गौण कर देते हैं, एक गौण कर देते हैं। दर्शन मोहिनी का उपशम होगा कि नहीं होगा, होगा जरूर होगा, लेकिन काम करने के लिए बोलेंगे तो ये नहीं बोलेंगे कि तुम दर्शन मोहिनी का उपशम करो। हालांकि कर्णानियोग में ऐसे लिखते हैं कि जब जीव को दर्शन मोहिनी का उपशम हो तो सम्यक होता है। ये तो दर्शन मोहिनी का उपशम हो टोटल मंजिल लिया ना, क्या लिखा है कि तेरा बुद्धिपूर्वक का कर्तव्य तो तत्वाभ्यास करना है, तेरा बुद्धिपूर्वक कर्तव्य तो तत्वाभ्यास करना है, और फिर दर्शन मोहादिक का उपसमादिक स्वयमेव होए हैं। अभी क्या करना है बोलो, बोलो अभी अपने को एक दृष्टांत दे दें, अपन यहां से बंबई जाने के लिए क्या क्या चाहिए बोलो, निमित्त की लिस्ट बताओ, बॉम्बे जाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो आप मुख्य निमित्त बताएंगे, मुख्य निमित्त कि हमारे पास टाटा सुमो है कि कार है कि रेल है, अरे कुछ एक कोई निमित्त का नाम बता देंगे। तो मैं पूछता हूं केवल एक निमित्त से काम चल जाएगा, पटरी नहीं चाहिए, सड़क नहीं चाहिए क्या, और वैसे तो बहुत निमित्त है, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, निमित्तों का बंटवारा दो चीजों में कर देते हैं, गौण और मुख्य। माने मुख्य काम हो जावे तो गौण तो ऑटोमेटिक चल गया। शादी करने में कितना निमित्त चाहिए कि एक पहले नंबर चाहिए कि लड़का का नक्की करो, ये काम पहले चाहिए, बाकी तो लड़का लड़की राजी कर ले, बाकी काम तो फिर सब हो जाएगा। तो उसको गौण कर देती हैं, एक गौण कर देती हैं, गौण कर देती हैं, लेकिन होते होते जरूर हैं। निमित्त को गौण कर देती हैं, कहने में गौण करते हैं, क्या बोला, गौणता और मुख्यता काय में करते हैं, कहने में, कहने में करते हैं, लेकिन निमित्त तो होते हैं कि उनका अभाव हो जाता है, निमित्त तो जरूर होते हैं बराबर। इसलिए गौणता और मुख्यता भी आप जिनवाणी में समझ लेना, कभी कभी एक साथ सारी बात नहीं कह पाते आचार्य, तो एक को मुख्य कर देते हैं। अब एक को मुख्य कर देते तो लोग क्या समझते हैं कि अभी और किसी की जरूरत नहीं है, जैसे गुरु को मुख्य कर दिया, गुरु कि गुरु की कृपा होए तो, अरे लेकिन गुरु को पढ़ो, गुरु तो ये कहते हैं प्रभु क्या है? प्रभु कृपा लिखी अबू रोशन क्या लिखा अंतिम चंद, प्रभु कृपा थी कि जिन कि प्रभु आज्ञा थी, प्रभु आज्ञा थी था सुनते जैसवा तेज स्वरूप, तेज स्वरूप माने वही स्वरूप, वही स्वरूप आज्ञा से कि कृपा से। अब ये लाइन अपन भूल जाते हैं, बस अरे हम गुरु को मुख्य करते हैं तो गुरु किसको मुख्य करते हैं, नहीं अभी प्रवचन सुनना है तो किसका सुनना है, इनका सुनना है, तो फिर ये किसको मुख्य करते हैं, ये किसको मुख्य करते हैं कि ग्राहक को मुख्य करते हैं, नहीं ये मान चलो मैं अभी एक क्या कहें अभी गुरुदेव श्री को मुख्य करता हूं, तो फिर गुरुदेव श्री किसको मुख्य करते हैं, वो ग्राहक को करते हैं, या समझ लो सीमंदर भगवान को करते हैं या महावीर भगवान को करते हैं, तो महावीर भगवान किसको मुख्य करते हैं। तो अपने को जाना चाहिए ना प्रॉपर चैनल, प्रॉपर चैनल जाना चाहिए ना, लेकिन हमें तो क्या लगे एक व्यक्ति का नाम प्रसिद्ध हो जावे, आजकल ग्रुपिंग का जमाना ना इसलिए कहता हूं, 25 का ग्रुप, 25 का ग्रुप, 50 का ग्रुप, ऐसे नहीं, वो किसको मुख्य करते हैं, फिर से समझना, गौणता मुख्यता कहने में हो सकती है लेकिन निमित्त तो जरूर होती है बराबर। अभी इसकी चर्चा मैं फिर कहता हूं, यहां सेंसर करती है, बहुत जरूरी है बात जानने की, क्यों, क्योंकि आचार्यों ने कोई मुख्यता मुख्यता से थोड़े से निमित्तों की चर्चा करी है तो बाकी होते हैं। जैसे अभी दृष्टांत दूं, सम्यक दर्शन करना हो तो जिनेन्द्र देव निमित्त है बराबर, तो जिनेन्द्र देव निमित्त है तो क्या केवल चावल चढ़ा के दर्शन करना इतना नहीं, इतने में काम हो जाएगा कि सुन मुख्य रूप से तो देव का निमित्त, और गौण रूप से उसी समय हमने कहा है दर्शन मोह का अभाव अर्थात उपशम आदि निमित्त, ये गौण किया था वो ध्यान रखना, तो दर्शन मोह का अभाव करना है कि नहीं करना है, पकड़ना जरा, एकदम मार्मिक पॉइंट है।
अभी सभी संप्रदाय जब गुरुदेव श्री का भी परिवर्तन नहीं हुआ था तब उधर श्वेतांबर स्थानक आदि में भी और दिगंबरों में भी कहीं कहीं अब कहीं कहीं क्या करके मैंने अज्ञानता की बात करना अपने को ऐसा बोलते थे हम तो जैन धर्म में जन्म ले लिया तो जन्म से ही सम्यक दृष्टि हो गई। ऐसे गुरुदेव श्री के प्रकरण में आता है बताते हैं वो कि हम तो जैन में जन्म ले लिया जैन श्रावक हो गए मंदिर चले गए सटावश्यक वो थोड़ी क्रिया कर ली मैंने हम जैन हो गए सम्यक दृष्टि हो गए। इस समय ना ध्यान से कि सुनो सम्यक दर्शन के लिए मुख्य निमित्त तो कहा देव और गौण निमित्त से गौण ध्यान से सुनना गौण भी जरूरी है वो है दर्शन मोह का उपसमाधिक। तो अभी दर्शन मोह का स्वरूप समझना पड़ेगा केवल मंदिर आने से काम नहीं चलेगा दर्शन करने से काम नहीं चलेगा पूजा करने से काम नहीं चलेगा गौण रूप से दर्शन मोह का उपसमाधिक। तो फिर दर्शन मोह का स्वरूप समझो कि क्या है कि शुद्धात्मा की स्वीकृति नहीं होना अखंड ज्ञायक भगवान की स्वीकृति नहीं होना इसका नाम दर्शन मोह। दर्शन मोह का उदय और भगवान आत्मा की रुचि नहीं होना अखंड की रुचि नहीं होना परिपूर्ण की रुचि नहीं होना ये दर्शन मोहिनी का बंध। मैं इसी के बाद आगे बढ़ जाऊंगा जल्दी से सुनना ध्यान से फिर से सुनना। ऐसा हो सकता है कि एक डॉक्टर ने बोला कि कैंसर हो गया तो कहां जाना तंबाकू का कैंसर हुआ तो कहां जाना इलाज कराने के लिए तो मुख्य निमित्त बताया मुख्य निमित्त कि डॉक्टर के पास जाना तो डॉक्टर के पास गए। अभी डॉक्टर के पास जाने से ठीक हो जाएगा कि जिन कारणों से तेरे कैंसर होता है तंबाकू आदि से स्मोकिंग से वो छोड़ना कि नहीं छोड़ना। अभी डॉक्टर के पास तो गया लेकिन स्मोकिंग जारी है तो फिर भैया कैंसर ठीक होगा कि नहीं होगा पक्का है नक्की है। अभी ऐसे ही मैं कहता हूं भगवान के पास तो आए देवसास गुरु के पास तो आए लेकिन दर्शन मोह की स्मोकिंग जारी है अखंड भगवान की रुचि नहीं है पुण्य की रुचि है पुण्य की रुचि है दर्शन की रुचि है प्रतिज्ञा पालने की रुचि है मेरे तो भगवान के दर्शन बिना पानी नहीं पीवूं इसका तो रुचि है बाहर का और सबकी तो रुचि है लेकिन अखंड ज्ञायक भगवान सिद्ध जेवो आत्मा हूं छू यानी रुचि न थी। अब क्या होगा क्या होगा समझ में आया मन दृष्ट कि मुख्य निमित्त के साथ साथ गौण निमित्त का ज्ञान भी करो और गौण निमित्त था दर्शन मोह तो दर्शन मोह का उपसमाधि कैसे होते हैं हाथ जोड़ने से होते हैं हे भगवान आपकी कृपा हो जाए तो दर्शन मोह जरा ठंडा हो जाए ये जरा दर्शन मोह 70 कोड़ा कोड़ी अरे भगवान नमो हरिहंतणम बस आपकी कृपा होगी तो क्या ऐसे कृपा नहीं चलती है ऐसे कृपा नहीं चलती है तेरे को स्वयं भगवान आत्मा का निर्णय करना पड़ेगा। तो गौण रूप से शास्त्र आ गए गौण रूप से गुरु आ गए गौण रूप से आए कि नहीं आए एक देव दर्शन के साथ साथ शास्त्र और गुरु भी गौण रूप से आ गए सत्संगति आ गई तत्व का निर्णय करना आ गया और तत्व का निर्णय करने पर जैसे ही नक्की हुआ कि ओहो मैं तो परिपूर्ण परमात्म तत्व हूं ये देह से जुदा हूं अनादि निधन हूं सिद्धालय का वासी हूं ऐसी एकदम महिमा आई ना इधर की महिमा टूट गई आहा अब कहते हैं कि दर्शन मोह का उपशम हुआ इसलिए सम्यक दर्शन हुआ। क्या कहा सम्यक दर्शन हुआ काम हो गया सम्यक दर्शन हो गया अभी कहने में आया कि देव तेरे लिए निमित्त है देव निमित्त इतनी देर में हुआ इतनी देर में और काम पूरा किसको करना पड़ा गौण निमित्त के नाम पर काम किसको करना पड़ा काम तो तेरे को ही करना पड़ा तो गौण निमित्त पर भी आरोप आ गया और मुख्य निमित्त देव आदि पर भी आरोप आ गया। मेरा मतलब समझ में आया अभी क्या कहूं स्पष्ट बोल दे तो ऐसी बात है एक ऐसी समाज भी है दिगंबर जैनों में एक समाज ऐसी उसको तारण समाज बोलते हैं तारण समाज ओ देव प्रतिमा को तो कहते ये तो मिथ्यात है देव प्रतिमा मानना मने मिथ्यात और गजब ही हो गए और बिल्कुल आचार्य कुनकुन को पढ़े गुरुदेव श्री को भी पढ़ते हो सुन लेंगे क्योंकि जहां जहां उनको शुद्धात्मा की बात मिले वो तो मंजूर लेकिन जहां देव प्रतिमा की बात आवे तो मंजूर नहीं। अरे लेकिन भाई एक तो गुरु का नाम लिया है तो शास्त्र और एक शास्त्र का नाम लिया है तो एक देव और एक गुरु गौण तरीके है अभाव तरीके नहीं गौण मतलब अभाव करना नहीं। एक चर्चा तो अभी यही सेंसर करती है मार्मिक है बहुत विचारणी है कभी हमारे जीवन में ऐसा नहीं हो जावे कि एक व्यक्ति ऊर्ध हो जावे कि एक फोटो ऊर्ध हो जावे कि एक चीज ऊर्ध हो जावे और बाकी हमारा जितना हो वो सब गौण हो जावे तो हम अपने आत्मा से चूक जाएंगे
मुख्यता और गौणता हो सकती है, मुख्यता और गौणता हो सकती है। मैं पूछूं एक दृष्टांत, लड़का की शादी होवे कि लड़की कोई की भी होवे, तो लड़का की शादी में सबसे मुख्य रिश्तेदार कौन सा होता है? चाचा की फूफा की कौन कौन होते हैं ना सब, मामा। मेन फंक्शन किसका होता है? अभी ये सब बोलो मत, झगड़ा हो जाएगा। वो तो किसी का भी नाम जिसके सामने जाते हैं तो अरे आपकी बिना शादी कैसे होगी, जिसके पास जाए उसी को बोल दे, बाकी अंदर अंदर जानता है और भी नहीं, क्यों नहीं होता है। तो बाकी बाजा भी है, मंडप भी है, मिठाई वाला भी है, मिठाई वाला अकड़ जावे उसको अपन ऐसे नहीं बोलते तुम नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा, वो तो रिश्तेदारों को तो बोल देती है, उसको तो कॉन्टेक्ट दे देते हैं। अभी वो नहीं काम करे तो फिर क्या हो? माने आप किसी को गौण कर सकते हो, अभाव नहीं कर सकते, बराबर। तो एक तो निमित्त का भेद हुआ, गौण निमित्त और मुख्य निमित्त, ये तो कथन की शैली हुई। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण है, अंतरंग निमित्त और एक बहिरंग निमित्त। अभी जल्दी समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त, थोड़ा सरल भाषा में कहें तो बहिरंग निमित्त माने जो देखने में आ जावे वो बहिरंग निमित्त, देखने में आ जावे वो बहिरंग निमित्त, और जो नहीं देखने में आवे एक हिसाब से वो अंतरंग निमित्त। जैसे बहिरंग निमित्त में सम्यक दर्शन हुआ तो देव निमित्त, ये बहिरंग निमित्त हो गया। सम्यक ज्ञान हुआ तो शास्त्र निमित्त कहने में आया, ये बहिरंग निमित्त। अंतरंग निमित्त क्या है कि अंतरंग में सुनो कितना ही शास्त्र पढ़ो तो भी सम्यक ज्ञान नहीं होवे, तो सम्यक ज्ञान होने के लिए क्या होना चाहिए अंतरंग में, अंतर में, कि सम्यक ज्ञान होने के लिए सम्यक दर्शन अंतरंग निमित्त। सम्यक दर्शन नहीं होवे तो सम्यक ज्ञान नहीं होवे, कितना ही शास्त्र बांच लेवे, ग्यारंग नौ पूर्व बांच लेवे, कितने उपदेश दे देवे, तो भी सम्यक ज्ञान नाम नहीं पाएगा। तो अंतरंग निमित्त एक एक तो बताया आपको, एक अंतरंग निमित्त बताया, एक दूसरा और बताता हूं। अंतरंग निमित्त भी बहुत है, अंतरंग निमित्त भी बहुत है, मैं यदि उसे अनंत भी कहूं तो चले, क्योंकि उसको मुख्य रूप से कहा नहीं जाता, गौण कर देते हैं ना, और इतने लंबी चर्चा कर नहीं सकते, लिस्ट नहीं बना सकते, इसलिए उसे गौण कर देते हैं। अभी और भी है निमित्त, और बताऊं निमित्त, वैसे एक द्रव्यत्व गुण अपन लिखा था, अंतरंग निमित्त लिखा था इधर, वो अंतरंग निमित्त की चर्चा करते। एक और है, देखो आपका सम्यक ज्ञान या क्षोपसम ज्ञान बढ़ रहा है तो एक मति श्रुत ज्ञानावरणी का क्षयोपसम ओ निमित्त, ए निमित्त है करता नहीं, निमित्त है करता नहीं। फिर से मति श्रुत ज्ञान अल्प ज्ञान छदमस्त है ना, तो उसका क्षयोपसम ज्ञानावरणी का जितना जितना क्षयोपसम हो उतना उतना ज्ञान बढ़े, तो ये भी निमित्त है अंतरंग निमित्त, लेकिन ज्ञानावरणी दिखता है आपको नहीं दिखता, इसलिए उसको क्या कर देते हैं, गौण कर देते हैं। और बाकी शास्त्र पढ़, शास्त्र पढ़, तुम शास्त्र नहीं पढ़ो तो कभी भी ज्ञान नहीं होगा, ऐसे बोल देते हैं। मुख्यता किसकी कर देते हैं? बहिरंग निमित्त की। मुख्यता किसकी कर देते हैं? भाई ना शास्त्र पढ़ो, शास्त्र नहीं पढ़ो तो कभी ज्ञान नहीं होए, बराबर। तो ऐसे अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त, अंतरंग में ऐसे बहुत सारे निमित्त बनते हैं और बाहर में भी, बाहर के दिखने वाले निमित्त बनते हैं, ये अंतरंग और बहिरंग निमित्त, बराबर। अभी आगे चलो, एक बहुत महत्वपूर्ण और जो आज की चर्चा में जरूर सुनने जैसी चीज है, और इसको जाने बिना तो बहुत बहुत माने 99.99% लोग गलती करते, गलती करते, ध्यान से सुनना। एक सद्भाव, एक मैं उसको समझाऊं उससे पहले एक चीज और बता, छुट्टी कर देता हूं उसकी। एक सामान्य निमित्त और एक विशेष निमित्त, एक सामान्य कहो, साधारण कहो, असाधारण माने विशेष कहो, इसकी चर्चा और दो मिनट में हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। साधारण निमित्त माने धर्म अधर्म आकाश काल, ये साधारण निमित्त है, सभी के लिए है इसलिए साधारण, और असाधारण में कोई कोई जीव, ये असाधारण निमित्त, मेरे लिए आपके लिए प्रवचन सुनने में इस समय में एक विशेष निमित्त हो गया, बराबर। भगवान की पूजा करना हो तो 24 तीर्थंकर में से जो भगवान सामने विराजमान हो वो विशेष निमित्त हो गए ऐसे दृष्टांत में। और जो जो पुद्गल कपड़ा आदि है, भोजन आदि है, पैसा आदि है, ये विशेष निमित्त, क्योंकि सारे निमित्त नहीं बनेंगे, सारा पुद्गल आपको निमित्त नहीं बनेगा, तो जो जो आपको पुद्गल निमित्त बनेगा वो विशेष, और जो धर्म अधर्म आकाश काल ये सबको निमित्त बनता है वो साधारण। अब आ जाओ अपन सद्भाव निमित्त और असद्भाव निमित्त, अभाव निमित्त जिसको कह देते हैं। हालांकि जिन्होंने कक्षा सुनी है
उन्हें अभाव निमित्त की जानकारी है ना। अभाव की बात चली थी, फिर से बोल देता हूं, सभी लोग सुनना, सभी को सुनने जैसी बात है। हाँ भैया, अभी मैं निमित्त के भेद पूछूं, पुराने मत बताना आप, अभी पुराने मत बताना, जो पढ़ा रहा हूं ना वो बताना। हाँ, निमित्त कितने प्रकार के? दो। कौन कौन से? सद्भाव और अभाव। सद्भाव निमित्त बहुत सरल है, जिसके सद्भाव में काम हो उसको सद्भाव निमित्त कह देते हैं, और जिसके अभाव में काम हो उसका नाम अभाव निमित्त कह देते हैं, बराबर। जैसे जैसे शुभ भाव के निमित्त से शुद्ध भाव होता है, क्या कहा? शुद्ध शुभ भाव करते 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 संस्कार, क्या कह लेते, परंपरा। परंपरा शुभ भाव परंपरा मोक्ष का कारण है, शुभ भाव परंपरा मोक्ष का कारण है। अशुभ भाव परंपरा मोक्ष का कारण नहीं है, शुभ भाव परंपरा मोक्ष का कारण है। अर्थात जो अशुभ भाव में है उसका तो पक्का है ही नहीं, बिल्कुल ही पक्का है कि नहीं होगा इसे मोक्ष, लेकिन शुभ भाव वाले को मोक्ष हो सकता है। एक क्या कह रहे हैं, हो सकता है। ए, इसका मतलब अपन शुभ भाव करते करते मस्त हो जाए ये नहीं है, इसका मतलब एक है कि शुभ भाव करने वाले को हो सकता है, मतलब जिस जिसको होता है उसके पहले अशुभ नहीं होता। फिर से बोलता हूं, जिस जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित होता है, मोक्ष होता है, तो मोक्ष होने के पहले कि केवल ज्ञान होने के पहले या श्रेणी मानने के पहले अथवा सातवें गुणस्थान के पहले शुभ भाव होता है। शुभ भाव वाले को सात भाव होता है कि सातवें वाले को पहले शुभ होता है? गारंटी किसकी है? गारंटी जिसको शुभ भाव होगा उसको शुद्ध भाव होगा, या जिसको शुद्ध भाव हुआ है तो उसके पहले शुभ भाव था? गारंटी किसकी है? हाँ, तो अभी समझना, आप शुद्ध भाव की चेष्टा करना, शुभ भाव में आ गए, थोड़ा शुभ भाव हो गया तो मस्त हो गए, अरे अब तो काम हो गया, अब तो काम हो गया, अभी शुभ में आ गए तो शुद्ध में तो पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो फिर वो शुभ भाव को परंपरा मोक्ष का कारण क्यों कहा? कि जिन जिनको मोक्ष हुआ, जिन जिनको सातवां गुणस्थान हुआ, श्रेणी मांडी, ओ उसके पहले सातवें के पहले शुभ भाव होता है, अशुभ भाव होता? इतना ज्ञान कराने के लिए कहा अभाव निमित्त। एक अभाव, एक फिर से शुभ भाव अभाव निमित्त है, इसका मतलब क्या कि शुभ भाव का अभाव हो जाएगा, शुभ भाव का अभाव होएगा तो, कि शुभ भाव करते रहेंगे तो, कि शुभ भाव में आनंद मानते रहेंगे तो, बराबर समझ में आया? केले का छिलका सद्भाव निमित्त या अभाव निमित्त? केले का छिलका, अब केले को अच्छा रखना हो, जोरदार रखना हो, सुरक्षित रखना हो तो छिलका कैसा होना चाहिए? बिल्कुल खराब, अशुभ। कैसा होना चाहिए? अच्छा केला खाने के लिए, अच्छा आम खाने के लिए छिलका कैसा होना चाहिए? आम का या केले का? खराब या अच्छा? अच्छा, बराबर। तो खराब तो नहीं होना चाहिए, अपन बुद्धिपूर्वक क्या चेक करके लाते हैं? छिलका। अभी चलो, तो अंदर का माल खाएंगे कि छिलका खाएंगे? अच्छा छिलका खाएंगे कि अंदर का माल खाएंगे? तो वो छिलका तो सद्भाव रहे, छिलका सद्भाव रहे तो फिर केले का मजा आ सकता कि नहीं? तो केले के छिलके का अभाव होगा और अंदर का दल खाते हैं, बराबर है। ऐसे ही शुभ भाव अभाव होने वाला है, पूर्व पर्याय अभाव होने वाली है, क्या कहा? पूर्व पर्याय का अभाव होने वाला है और अगली पर्याय होने वाली है काम होने वाला, इसका नाम अभाव निमित्त, बराबर। पैसा के निमित्त से सब्जी आती है नहीं आती? पैसा से कार आती कि नहीं आती? नहीं, पैसा से कार नहीं आती है। तब पैसा जाता है, पैसा जाता है और कार आती है, बराबर है। बोलने में ऐसा लगता है जैसे चम्मच से रसगुल्ला आता है, क्यों ऐसे आता है कि चम्मच भी आ जाता है रसगुल्ला भी आ जाता है, ऐसे आता है? मैं फिर से बोल रहा हूं, जरा एक ग्रामर है, ग्रामर 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 में एक तृतीया विभक्ति होती है, एक पंचमी विभक्ति होती है। तो पेड़ से पत्ता टूटा, डाली से पत्ता टूटा, तो डाली का अभाव हो गया, पत्ता नीचे आ गया, और एक चम्मच से रसगुल्ला लाए तो पेड़ से पत्ता और चम्मच से रसगुल्ला दोनों में से आया, से आया कि नहीं आया? दोनों में से,
लेकिन एक में पंचमी विभक्ति है, पेड़ से पत्ता टूटा, ये पंचमी विभक्ति है, जुदा हो गए, इसमें जुदा हो गए, टूट गए, अलग हो गए, अभाव निमित्त हुआ। और यहां पर रसगुल्ला लाने में तो रसगुल्ला चम्मच जाती नहीं है, ये चम्मच फेंको तो रसगुल्ला आता, ऐसा नहीं है, चम्मच के साथ रसगुल्ला आता है। तो करण, तृतीय विभक्ति करण, करण माने साधन, ध्यान से सुनना, गड़बड़ नहीं करना, करण माने साधन, साधन होता ना, साधन इधर तक लाने का साधन, बराबर है। अभी स्वभाव, स्वभाव अभी पेट्रोल का दृष्टांत दिया ना, जैसे पेट्रोल से मोटर चलती है तो पेट्रोल का अभाव हो तो मोटर चलती है। क्या कहा कि पंडित फिर वो टैंक में पेट्रोल नहीं हो तो, कि सुन टैंक में पेट्रोल का सद्भाव, क्या कहा, क्या कहा, टैंक में पेट्रोल का सद्भाव, लेकिन यदि हम उसका पेट्रोल टैप ना खोलें और एक एक बूंद पेट्रोल का अभाव ना हो, इंजन में नहीं जावे एक एक बूंद, तो फिर गाड़ी चलेगी नहीं चलेगी, तो फिर पेट्रोल से गाड़ी चलती है कि नहीं। अभी दोनों ही पार्टी जीत जाएगी, दोनों पार्टी जीत जाएगी, एक बोलेगी पेट्रोल से मोटर चलती है, तो उसका मतलब क्या निकला कि सद्भाव, पेट्रोल टैंक में सद्भाव, पेट्रोल का टैंक में सद्भाव, और केवल सद्भाव ही बना रहे बेताओ, तो फिर एक एक बूंद पेट्रोल का अभाव। अभी झगड़ा नहीं करना, सियादबाद हो गया, सियादबाद नहीं, अभी समझ गए होंगे लोग कि सोनगढ़ की मोटर पेट्रोल के बिना कैसे चलती थी, ऐसे लोग बहुत बोलते सोनगढ़ की मोटर तो पेट्रोल के बिना चलती होगी, अरे लेकिन पेट्रोल का अभाव नहीं होवे एक एक बूंद का तो कैसे चले, ये पैसा नहीं जावे तो सब्जी कैसे आवे, तो अभाव निमित्त हो गया। ऐसे ही स्वभाव का पेट्रोल जाता है, ये स्वभाव नष्ट होता है, स्वभाव नष्ट होता है तो शुद्ध भाव आता है, स्वभाव करते 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 रखते 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 सद्भाव रखते 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 नहीं आता, शुद्ध स्वभाव का सद्भाव रखने से मोक्ष नहीं आता। इतनी बात तो बराबर हो गई। अभी अभी और थोड़ा, अब सद्भाव निमित्त मुझे खोलना, थोड़ा अभाव निमित्त तो बहुत क्लियर हो गया था पिछली बार भी, अभी भी हो गया, अभी सद्भाव निमित्त एक बहुत समझने जैसी बात है कि पंडित जी स्वभाव से सम्यक दर्शन तो हो जाता है कि नहीं हो जाता है, खाने पीने का भाव आए तो हमको सम्यक दर्शन हो जाता है कि नहीं हो जाता है, होता है कि नहीं होता, ये समझना आप कि सुन खाने पीने का भाव हो तो सम्यक दर्शन हो सकता है। अभी गड़बड़ नहीं करना, खाने पीने का भाव हो, व्यापार धंधे का भाव हो, 96,000 रानी का भाव हो तो भी सम्यक दर्शन में बाधक नहीं है, वो भले ही बना रहे, बना रहे वो परिणाम, वो जाति की कसाय बनी रहे, ध्यान से सुनना, लेकिन कोई को दर्शन मोहिनी अनंतानुबंधी आदि का उदय होए, अनंतानुबंधी का सद्भाव होए तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। समझ में आया? अभी आपको क्या लगता है, हमको तो कमाने का भाव आता है तो हम सम्यक दर्शन नहीं कर सकते कि रुको रुको, जिसका सद्भाव रह सकता है ना जिस गुणस्थान में वो उतना भाव रह सकता है, सद्भाव ने भी समझ में आया? जैसे जैसे दृष्टांत दूं, छठे गुणस्थान में व्यापार करने का भाव आ जाए तो ये सद्भाव नहीं चलेगा, छठे गुणस्थान में अमुक जाति की कसाय का सद्भाव तो चल सकता है, छठे गुणस्थान में तीन कसाय चौकड़ी के अभाव में, ध्यान से सुनना क्योंकि इसमें बहुत विपरीतता हो गई, ये सद्भाव निमित्त नहीं जानने से बहुत विपरीतता हुई। अभी तो ऐसा लगता है कि हम तो चलते फिरते श्रेणी मान लेते हैं, ऐसी मान्यता हो चलते फिरते श्रेणी मान लेवे, गुरु को कंधे पे बिठा के चलते चलते श्रेणी मान लेवे, दुखी होते होते हताश होते होते श्रेणी मन जावे, केवल ज्ञान हो जावे। बोलो, विचार करना, सद्भाव निमित्त का विचार करना, मैं आप सबको बोलता हूं सद्भाव निमित्त का विचार करना। अरे रे रे, झाड़ू काटते काटते केवल ज्ञान हो जावे कैसे हो जावे, हाथी पे बैठे बैठे केवल ज्ञान कैसे हो जावे, क्योंकि ऐसी कसाय का सद्भाव वहां नहीं होता है। ये सद्भाव निमित्त में समझाना है हमको आपको, जिस जाति की कसाय का सद्भाव रहे उस कसाय की चिंता नहीं करना, उसका लक्ष्य छोड़कर ज्ञाय का लक्ष्य करना। मैं फिर से बोलता हूं, फिर से, अभी हमें आप लोग सभी परेशान हो, पंडित जी हमको विकल्प आते हैं, विकल्प आते हैं, तो हम पूछते कौन सा विकल्प आता है, अन्याय अनीति अवक्ष का तो नहीं आता है कि नहीं, वो तो हमें नहीं आता, लेकिन अभी हम बैठते हैं तो हमको विकल्प आता है कि सुन कोई घबराने की बात नहीं है, ऐसे विकल्पों का सद्भाव जिस गुणस्थान में तुम हो वो चलता है,
लेकिन अन्याय अनिति अवश्य का विकल्प होवे और भगवान आत्मा की बात करें तो ऐसे विकल्पों के सद्भाव में भेद विज्ञान की स्थिति नहीं बनती है और आत्मा का अनुभव करने की स्थिति नहीं बनती है। यह सम्यक दर्शन होए, अंदर में सम्यक दर्शन का सद्भाव होए और बाहर में अन्याय नीति का आचरण होवे, खोटा आचरण होवे, तो ये सद्भाव निमित्त नहीं बनता है। जिस गुणस्थान में जो परिणति रह सकती है वो तो मान्य है। क्या कहा? चौथे गुणस्थान में डॉक्टर साहब तो एक बहुत अच्छी बात कहते ना, आप लोगों सबको खबर में होगी कि अभी हमें यह बताने की जरूरत नहीं कि राग कितना छोड़े, इसको जानने की बहुत जरूरत है कि किस गुणस्थान में कितना राग रहता है, क्योंकि हम ओवर एक्सपेक्टेशन करते हैं। ओवर एक्सपेक्टेशन इसे भी सम्यक दृष्टि है ना, सम्यक दृष्टि। तो क्यों वो टाई और सूट पहन सकता है कि नहीं पहन सकता है? पहन सकता है कि नहीं? टाई सूट नहीं पहन सकता क्यों? क्या लगता है आपको उसको कैसा होना चाहिए? जैसे पूरे समझ लो, चौथा गुणस्थान लेने के लिए तो मनुष्य संगी पंचेंद्री है ना, तो सम्यक दर्शन ले सकता है। तो जैन लेंगे कि अजैन लेंगे? कहां वाले ले सकते हैं सम्यक दर्शन? त्रियंश गति का जीव सम्यक दर्शन ले सकता है कि नहीं ले सकता है? तो क्या क्रिया करनी पड़ेगी उसको बाहर की? बाहर का क्या करना पड़ेगा? नहीं क्या करना, नहीं कितना क्या करे? तो सुनो कि ऐसा जान लो, अभी अपनी अपनी भूमिका में जान लो कि चौथे गुणस्थान में 96,000 रानियों के प्रति का राग रह सका, गजब बात है। 6 खंड का विकल्प आ जावे तो अभी वो विकल्प की चिंता छोड़ करके, उस विकल्प का लक्ष्य तोड़कर भिन्न ज्ञायिक भाव का अनुभव करते हैं, इसका नाम सद्भाव। कौन सी गुणस्थान में कितने रागादिक का सद्भाव रह सकता है, कौन से विकल्प का सद्भाव रह सकता है और सम्यक दर्शन हो सकता है। अथवा आगे आगे गुणस्थान, कोई बोले मुनि दशा होवे और बाहर कपड़ा रखने का भाव आवे, परिग्रह रखने का भाव आवे कि दिगंबर मुनि राज होवे, तो 28 मूल गुण का परिणाम तो सद्भाव में है, है 28 मूल गुण पालने का परिणाम तो सद्भाव हो सके, लेकिन इससे बाहर होवे तो मुनि दशा ना है ही नहीं, 3 कसाई चौकड़ी का अभाव है ही नहीं, ये नक्की हो गया बराबर नहीं? अरे दी क्या कहें, ये सद्भाव निमित्त और अभाव, इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जैसे दृष्टांत दूं, डॉक्टर ने कोई दवाई दी आपको, डॉक्टर ने कोई दवाई दी, उसने पहले ही बोल दिया कि आपको चक्कर आ सकता है इसमें, देखो थोड़ी ये दवाई खाओगे तो आपको थोड़ी कमजोरी आ सकती है, तो अभी वो कमजोरी आती है और चक्कर आता है तो आपको उसका टेंशन होता है, चिंता होती है, क्यों नहीं होती है कि ए अमुक दवाई खाने पर अमुक रोग में अमुक कमजोरी होती है, बराबर समझ में आया? तो ऐसे ही अमुक गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान में कितनी कमजोरी रहती है, कितना राग रहता है, कितना विकल्प रहता है, किस जाति का रहता है, ऐसा ज्ञान करने से कोई फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? ये फायदा हुआ कि अब हमें उसकी चिंता नहीं रही और इस तरह उसका लक्ष्य छोड़कर भेद विज्ञान करके, आश्रम भाव से भेद विज्ञान करके, भिन्न पारिणामिक भाव का अनुभव करके सम्यक दर्शन ले लेती है। और नहीं तो अभी भी ऐसी बहुत बहुमत है कि साहब हमको तो निवृत्ति लेनी पड़ेगी तब काम होगा, क्या करें पंडित जी, सम्यक दर्शन तो आप जैसों का काम है, हम लोग तो गृहस्थी में फंसे हैं। अरे तो गृहस्थी में फंसे मतलब, गृहस्थी में फंसे हैं तो कौन फंसा है? गुणस्थान के विरुद्ध है क्या ये? गुणस्थान के विरुद्ध हो तो टेंशन करने की बात है नहीं? क्या बोले, सभी लोगों को ऐसा लगता है, कोई नवयुवक हो, विवाह नहीं हुआ हो तो उसको ऐसा विवाह का भाव आवे तो उसे ऐसा लगता है मैं धर्म नहीं कर सकता, मेरे तो शादी करने का भाव आता है, मैं सम्यक दर्शन नहीं कर सकता। देखो बात तो छोटी लग रही होगी लेकिन इतने से विकल्प में अटक के शास्त्र से दूर हो जाता है, सत्संग से दूर हो जावे, स्वाध्याय करने से दूर हो जावे, देव सास गुरु से कट जावे, उसे फिर ऐसा लगता है अब हमें धर्म नहीं कर सकते। तो 99% लोग जो अपने को असमर्थ अनुभव करते हैं वो इसलिए अनुभव करते हैं कि उन्हें सद्भाव निमित्त की खबर नहीं है। यदि गुणस्थान प्रमाण सद्भाव निमित्त की भी खबर पड़ जावे तो टेंशन की जरूरत नहीं। बोलो कोट सूट में सम्यक दर्शन में क्या बाधा आती है, क्या बाधा आती है? जिनवाणी में लिखा है कि कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए, ठीक है अशिष्ट हो, अनर्गल हो, क्या बोलती हो, उद्दंडता वाली है ना, उद्धत ऐसी उद्धत हो गए तो चलो कोई बात है, लेकिन अभी लेकिन कहना मेरे को, लेकिन वो कोई नियामक कारण नहीं है, ख्याल में है? आहा,
वो तो लोकाचरण में अपन बोलते हैं ऐसे। अभी देखो इसका भी समझ लो पूरा खुलासा कि इसकी बात अपन बोलते हैं, भैया निवृत्ति लो, थोड़ा 2-4 घंटा स्वाध्याय करो, तब तक काम नहीं होगा। जब तक आप थोड़ा सा आराम नहीं छोड़ो, व्यापार धंधा से निवृत्ति नहीं लो, ये बोलने की शैली है। ये तो बोलने की शैली है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि तू किसी प्रकार से व्यर्थ का समय बर्बाद करके ना करके उसे बचा करके और फिर देश शास्त्र गुरु का आलंबन ले, शास्त्र का स्वाध्याय कर, तत्व का समागम कर, वेद विज्ञान कर और आत्मा का अनुभव कर। लेकिन नियामक कारण नहीं समझना उसे। नियामक कारण समझ में आ जाता, ऐसा अंदर अंदर लगता है कि हम निवृत्ति नहीं ले सकते तो अभी कल्याण नहीं कर सकते, तो फिर सम्यक दर्शन लेने के लिए सबको कपड़ा छोड़ना पड़ेगा क्या? यही तो बोलते हो। क्या बोलते हैं कि यदि तुम्हें सम्यक दर्शन लेना हो तो सातवें गुण स्थान में होता है। क्यों होता है सातवें गुण स्थान में? क्योंकि घर नहीं, व्यापार नहीं, धंधा नहीं, तो निवृत्ति अब विकल्प नहीं, बस खत्म। और आपको तो कितना विकल्प है, तो विकल्प तोड़ो। और विकल्प तोड़ना हो तो घर छोड़ो, कपड़ा छोड़ो, स्त्री पुत्र आदि छोड़ो, तो ये गड़बड़ है। सद्भाव निमित्त का सच्चा ज्ञान हो जाए गुणस्थान प्रमाण का, तो आपको बहुत सारी आकुलताओं का अभाव होगा, नंबर एक। दूसरा, आपको मुनिराज आदि गुणस्थान प्रमाण कौन कौन सी परिणति संभव है, 11वें गुणस्थान में 12वें गुणस्थान में 13वें गुणस्थान में आहार होए कि नहीं होए, 13वें गुणस्थान में राग द्वेष होए कि नहीं होए, विकल्प होए कि नहीं 13वें गुणस्थान में, वार्तालाप मन सहित होए कि नहीं होए, ये सबकी खबर आपको तब पड़े जब सद्भाव निमित्त की बरोबर खबर पड़े। तो इस तरह से अभी अपने निमित्तों की थोड़ी सी चर्चा कर ली है। इसके बाद आज ये निमित्त उपादान की कक्षा का एक हिसाब से तो समापन है, लेकिन तत्समय की योग्यता का विचार निर्णय करने के लिए बहुत सारे बिंदु दिए भी हैं और हम आपको प्रेरणा भी करते हैं कि आप निमित्त उपादान संबंधी जितने ग्रंथ, पुस्तकें, अनुशीलन आदि हमारे पास अवेलेबल हैं और खास तौर से गुरुदेव श्री के प्रवचन भी हमारे पास अवेलेबल हैं, तो उन्हें हम जरूर जानें। बाकी पर्सनल चर्चा में इनकी चर्चाएं और हो सकती हैं। खास तौर से तत्समय की योग्यता में बहुत माल है, बहुत माल है। और ये बात तो अपन कह चुके हैं, इधर से इधर तक तो आना कंपलसरी है। माने कभी भी कार्य का निर्णय करो, कोई से भी कार्य का निर्णय करो, तो निमित्त से चलते 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 योग्यता तक जरूर आना। और एक मिनट में बात पूरी करते हैं कि शुरू में तो ऐसी मानसिक मेहनत लगती है, बाद में तो योग्यता का डिसीजन हो जाने के बाद ये आपो आप होने लगता है, आपो आप होने लगता है, माने सहज हो जाता है। इसलिए आप थोड़ा कंटाला नहीं मानना, शुरुआत में थोड़ा प्रैक्टिस बुद्धिपूर्वक करना, बाद में तो उठते बैठते चलते फिरते अरे रे, तस समय की योग्यता ही नियामक कारण है। ओम नमः।